सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनों हज़रात, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आपके लिए होंडा सिविक 2001 मॉडल का। फाइनली ये गाड़ी मैंने ढूंढ ली आप लोगों के लिए, स्टार्टिंग विद द की। ये इसकी ओरिजिनल की है होंडा की, थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखाता हूँ। होंडा की ये चाबी, हैलोजन लाइट्स इंस्टॉल्ड है इसके अंदर, फॉग लैंप्स का ऑप्शन नहीं है। होंडा का एम्बलम मिलेगा, क्रोम स्ट्राइप्स ही फ्रंट पर मिलती है और काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है। इस गाड़ी के अंदर सनरूफ भी मिलता है जिसके अंदर हम आगे जाके वीडियो में बात करेंगे। अलॉय व्हील्स, ब्रिजस्टोन के टायर, ग्राउंड क्लियरेंस इज गुड, ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस, बस ठीक है। बॉडी कलर आपको साइड मिरर मिलेंगे, बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ये ब्लैक लाइन से आपको मिलेगी दरवाज़ों के अंदर, जो कि काफ़ी खूबसूरती का इसके अंदर जाहिर करती है। बैक से आपको इसकी शेप दिखा दूँ, ये है जी सिविक VTI ओरियल। बैक पर भी आप ये देखेंगे पूरी क्रोम, ये नीचे सिविक, और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ बैक से इसका थोड़ा सा डिज़ाइन, काफ़ी खूबसूरत है। सिविक 2001 मॉडल के अंदर मैं आ चुका हूँ और कम्स विद सनरूफ। स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके स्टीयरिंग व्हील, 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर होंडा, और इसके अंदर SIS एयरबैग वगैरह कोई नहीं है। साइड पर ऑटोमेटिक पावर विंडो है ड्राइवर साइड वाली, CNG इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा सनरूफ के ऑप्शन मौजूद है। राइट पर करते हैं, इसके अंदर ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स का स्विच भी मौजूद है, आपके मिरर्स ऐसे क्लोज हो जाएंगे। इसको ओपन कर लेते हैं और राइट पर टर्न करके आपके पास मिरर एडजस्टमेंट के ऑप्शन भी मौजूद है। सो दैट इज़ अ रियली कूल थिंग। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से शुरुआत करते हैं, RPM मीटर, स्पीडोमीटर है। ये बेसिकली भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कि 2001 मॉडल सिविक के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की गई थी। 272,819 बता रहा है ये मीटर पे। इसके अलावा ट्रिप ए आ जाता है आपके पास, ट्रिप बी, फ्यूल गेज आपके पास मौजूद है, स्पीडोमीटर, RPM मीटर एंड देन टेम्परेचर गेज। नाउ वी विल चेक फ्यू थिंग्स। सबसे पहले इसका स्पीकर टेस्ट हम कर लेते हैं। उससे पहले आपको ये बताऊँ कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो ये आपके पास आ जाता है जी USB का ऑप्शन, लेट मी जस्ट ओपन इट अप इफ़ आई कुड। ये यहाँ से ऊपर होगी जी, ये USB आपकी आ जाती है। ऊपर आपके पास ये वॉल्यूम रॉकर आ जाता है, साउंड सुन लें। आपको मैं सुना रहा हूँ इस वक्त, हैज़र्ड्स, गाड़ी इस वक्त स्टार्ट है। आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि किस तरह इसका सनरूफ काम करता है, लेट मी क्लोज इट। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये डायल्स की, ये मोड डायल्स की। ये आपका मोड डायल है ऑल द वे, अब यहाँ पर डिफ्रॉस्ट है। ये आपका आ जाता है टेम्परेचर, ये आपका फ़ैन आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं जी बिल्कुल कूल पर, और मोड हम सामने वाला रख लेते हैं इसका, फ़ैन हम ऑन कर लेते हैं। ज़बरदस्त, अभी फ़िलहाल जो फ़ैन है वो भी काफ़ी कूलिंग कर रहा है। अभी थोड़ी देर के अंदर मैं इसका AC टेस्ट करता हूँ। नीचे आपके पास डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, और बाकी अच्छा। ये गाड़ी जो है ये 5-स्पीड मैनुअल है जिसका आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ। इसके अलावा आप ये देख पाएँ यहाँ पर तो थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मौजूद है, एश ट्रे मौजूद है, सिगरेट लाइटर मौजूद है आपके पास, ग्लव बॉक्स भी आपको मैं दिखा देता हूँ, काफ़ी डिसेंट है। सीट्स की बात कर लेते हैं, फैब्रिक सीट्स इसके अंदर मौजूद है, और ड्राइवर साइड वाले के लिए आपके पास आर्म रेस्ट मौजूद है, काफ़ी कंफर्टेबल। और ये आपको दरवाजे में दिखाऊंगा, फैब्रिक इंस्टॉल्ड है, प्लास्टिक क्वालिटी इज़ रियली गुड। स्पीकर थोड़ी सी स्पेस वहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा क्लियर लुक आपको मैं दे रहा हूँ इस वक्त। प्लास्टिक का ये पैनल आ जाता है थोड़ा सा सिल्वर कलर पे। कूलिंग काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है AC, मैं इसका ऑन कर लेता हूँ। फ़ैन को थोड़ा तेज कर देता हूँ, ऑल्दो इट्स रियली रियली कोल्ड आउटसाइड, टेम्परेचर काफ़ी 7-8 पर है इस वक्त इस्लामाबाद में, बट वी विल स्टिल चेक। बहुत अच्छा, काफ़ी चिल्ड AC है, काफ़ी अच्छी ठंड प्रोवाइड कर रहा है। इतनी देर में हम चेक कर लेते हैं इसका जो सिस्टम है यहाँ पर कैसे FM पर इसको हम किया हुआ है अभी स्कैन, और डिफरेंट मोड्स हैं इसके अंदर। आप डायरेक्टली भी इसको ट्यून कर सकते हैं यहाँ से, 106.7, 96, मतलब इस तरह मुख्तलिफ आप ट्यून कर सकते हैं MFM में। AC इसका बहुत चिल्ड है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, आई कैन फील द डेप्थ। थोड़ा सा करीब लेके जाता हूँ ताकि आप माइक्रोफोन में आवाज़ सुन पाए। बहुत अच्छी आपको हवा प्रोवाइड करे, बहुत अच्छा चिल्ड AC है ये।
अब बात कर लेते हैं जी, इसके साइड पर थोड़ी सी आपको स्पेस मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग है तो जब आप शिफ्ट करते हैं तो उस वक्त काफ़ी आसानी होती है आपके लिए। और ये कवर्स इंस्टॉल्ड है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, इट लुक्स रियली डिसेंट। स्टीयरिंग व्हील इसका वही 96 शेप वाला, तो उसकी स्पेस यहाँ पर मौजूद है और ऐश ट्रे आपके पास बैग पर भी मौजूद है। सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से आपके पास सीट बेल्ट हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके सनरूफ कैसे वर्क करता है। यहाँ पर इसके कंट्रोल है ऑन ऑफ के, इसके बाद फिर नीचे की तरफ जब आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ से ऐसे, तो ये ओपन हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके ये ओपन हो जाता है और फिर इस तरह आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। बैक सीट स्पेस अभी आपको मैं दिखाता हूँ, सिविक 2006 मॉडल के, लेट्स सी। आपके पास यहाँ पर फैब्रिक इंस्टॉल्ड है, प्लास्टिक काफ़ी इंप्रेसिव है, पावर विंडोज़ का स्विच मौजूद है। इस गाड़ी के अंदर रियर फ्लोर जो है दरमियान में वो फ्लैट है, इसलिए जो तीन बंदे हैं वो कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको हेडरेस्ट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, जो कि एक्स्ट्रा हेडरेस्ट होता है ऊपर। इसके अंदर ये फुल सीट है और किसी किस्म का स्प्लिट मौजूद नहीं है। पीछे दो स्पीकर मौजूद हैं और सीटिंग पोस्चर वगैरह एंड एवरीथिंग इज़ रियली गुड इन दिस कार। बाकी साइड पॉकेट्स भी नहीं है पिछले दरवाज़ों में, तो आप स्टोरेज वगैरह पीछे नहीं कर सकते। अगर आपको स्टोरेज करनी है तो आप सीट पॉकेट्स के अंदर स्टोरेज कर पाएंगे। ट्रंक स्पेस अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ, होंडा सिविक 2001 VTI ओरियल की। लेट्स ओपन इट अप और हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको CNG सिलेंडर मिलेगा बैग पर। स्टोरेज स्पेस इज़ वेरी डिसेंट। नीचे आपके पास स्पेयर टायर मौजूद है, ये स्पेयर टूल्स आगे करके बड़े हैं, थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस। ये ट्रे आ जाता है, इस वक्त इसके अंदर गत्ता मौजूद नहीं है जिसके ऊपर शीट होती है, जिसके नीचे टायर होता है। बहरहाल थोड़ा सा आपको पीछे से मैं आपको स्पेस दिखा रहा हूँ, तो काफ़ी डिसेंट स्पेस है। अगर आप CNG उतार देते हैं तो उससे फिर आपकी स्पेस एक्सटेंड हो जाती है आगे तक, काफ़ी बेहतर आपके पास स्पेस हो जाती है। सिविक 2001 मॉडल के इंजन साइड पर मैं आ चुका हूँ। इसके अंदर होंडा एविटेक का 1600 सीसी का इंजन आता है, 1600 सीसी का, जो कि माइलेज की बात मैं आपके उससे करता हूँ। AGS की बैटरी इसके अंदर, टोयोटा की बैटरी इंस्टॉल्ड है और साइड से आप कंपोनेंट्स की मैं डिटेल लुक इस वक्त आपको दे रहा हूँ। होंडा एटलस कार पाकिस्तान, पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड है ये गाड़ी। माइलेज की बात कर लेते हैं, ऑनर के मुताबिक इस वक्त ये 9 से 10 किलोमीटर आपको विदिन सिटी देती है और हाई वे पर आपको 12 से 13 किलोमीटर की एवरेज देती है। डिसेंट है, ठीक है, 1600 सीसी के लिहाज से अगर देखी जाए एवरेज तो मुनासिब एवरेज है इसकी। आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा सिविक 2001 मॉडल का। इस गाड़ी की प्राइस मैं आपको बता देता हूँ, इस गाड़ी की प्राइस है 7.5 लाख रुपये, 7,50,000 रुपीज़ इसकी प्राइस है। देखा जाए परफॉर्मेंस पर इस गाड़ी काफ़ी अच्छी है, कम्फर्टेबिलिटी कम्फर्ट लेवल की बात की जाए उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छी है। कम्फर्टेबिलिटी जो है इसके अंदर बहुत अच्छी है। इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर बेसिक है। वन मोर थिंग दैट आई हैव टू शो यू, उसके लिए मैं स्टार्ट करके पहले आपको थोड़ा रिस्पॉन्स चेक करवाता हूँ। टोटल रिस्पॉन्स आपको मैं इसको सुना देता हूँ आपको। साढ़े 7 लाख रुपये में सिविक 2001 मॉडल मिल जाएगी। इस गाड़ी के अंदर बाहर से डिटेल पिक्चर मैं अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर दूंगा, तो मेक श्योर आप जाके देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब प्रेस डबल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। अगर मेरे से पूछा जाए 7 से 8 लाख के बजट में कौन सी गाड़ी मैं रिकमेंड करूँगा, तो मैं डेफिनेटली ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मार्केट सेगमेंट इस वक्त अगर देखा जाए तो लियाना इन कैटेगरी में फॉल करती है, हैचबैक में देखा जाए तो सुजुकी कल्टस फॉल करती है, सुजुकी बेलिनो फॉल करती है इन कैटेगरीज में। और अगर आप नई लेना चाहें तो आप 8 लाख से ऊपर का बजट करके आप ब्रावो ले सकते हैं या मेहरान ले सकते हैं करंटली, जो भी जल्दी रिप्लेस हो जाएगी ऑल्टो से। ये ऑल्टो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी इसका जो 2011-12 मॉडल जो है इसका विद स्टैंडिंग राइट ओवर हियर, ये 7 लाख से ऊपर की आपको मिलती है, जो बहुत अच्छी कंडीशन में होती है, बहुत कम चली हुई होती है। तो अगर आप फैमिली के लिए गाड़ी देख रहे हैं तो उसके अंदर आपकी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आपके पास एक स्पेस अच्छी होनी चाहिए, कंफर्ट लेवल अच्छा होना चाहिए, माइलेज अच्छी गाड़ी देती हो। अनफॉर्चुनेटली माइलेज के हिसाब से ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन ठीक है अगर देखा जाए 9 से 10 किलोमीटर आपको विद इन सिटी देती है और 12-13 आपकी हाईवे पर करती है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी मैं आपको चेक करवा दूँ।
इसको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ये ऊपर नीचे अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। बाकी सीएनजी लगा के आप जो है परफेक्ट अपनी माइलेज वाइज जब देखें, अगर आप सीएनजी आप लगा लेते तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, जाके लाजमी फॉलो करें मुझे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और साथ प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप।